नेपाल यूपी में बारिश, बिहार में उफान पर नदियां, पूर्णिया कटिहार में कटाव ने डराया, बगाह में तो गंडक तो समस्तीपुर में बड़ा गंगा का जलस्तर। नेपाल और यूपी की नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। समस्तीपुर में गंगा नदी उफान पर है, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इलाहाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण समस्तीपुर में गंगा के जलस्तर में 48 घंटे में 60 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इधर बगाह में गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पूर्णिया में दार नदी और कटिहार में गंगा नदी के कटाव के कारण लोग डरे हुए हैं। बिहार में 3 दिनों से बारिश सामान्य हो रही है, इसके बाद भी नेपाल और उत्तर प्रदेश से आने वाली पानी की वजह से बिहार की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसमें महानंदा, परमान, बागमती, घाघरा, गंगा, कमला, कोसी, गंडक नदियों से सटे हुए गांव को खाली करा दिया गया है। 24 घंटे के दौरान महानंदा, बागमती, परमान नदियों के कई स्टेशनों पर जलस्तर में वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है। बिहार के सभी हिस्सों में 18 से 23 जुलाई तक मानसून कमजोर हो गया है। मानसून अवधि के दौरान बिहार में औसत से 34% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। 17 जुलाई तक मानसून अवधि में 361 mm तक बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार 237 mm की बारिश हुई है, जो औसत से 124 mm कम है।